हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खड़े खड़े कार की बैटरी डाउन हो जाना आपने बहुत बार सुना होगा और आपकी गाड़ी खुद ही बैटरी डाउन हुई होगी खड़े खड़े। मगर जो मैं केस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको हमने खुद जाकर अटेंड किया, जो गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई थी, उसमें क्या दिक्कत थी, चलते चलते कार की बैटरी डाउन हो गई और गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, मतलब गाड़ी रास्ते में ही खड़ी हो गई, बैटरी एकदम डेड हो गई। तो क्या कंडीशन थी, क्यों डाउन होगी, चलने में गाड़ी की बैटरी नहीं डाउन होनी चाहिए, खड़ी है 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो मान सकते हैं बैटरी डाउन हो गई होगी। तो सबसे पहले हम गाड़ी को देखने गए, कस्टमर आए थे हमें दिवा करने, तो हम सबसे पहले गए जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई थी। तो जाने के बाद हमने सीधे चाबी किया और कार को स्टार्ट करके देखा कि क्या कंडीशन है। हमें नहीं मालूम था कि उसकी बैटरी डाउन है क्या है, क्योंकि कस्टमर आते हैं सीधे बताते हैं कि भैया बैटरी या फिर गाड़ी डाउन हो, हमारी खड़ी हो गई रास्ते में। तो सबसे पहले जा करके हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद देखा बैटरी बिल्कुल कंडीशन डेड थी और हम एक सर्विस बैटरी ले गए थे, तो उस बैटरी को हमने लगाया और स्टार्ट किया तो गाड़ी हो गई स्टार्ट। और उसके बाद हमने एक अलग से मल्टीमीटर लगा करके बैटरी वोल्टेज चेक किया कितना आ रहा है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है स्टार्ट कंडीशन पे, उसका वोल्टेज आना चाहिए 14 तक करीब आना चाहिए, और अगर बंद गाड़ी है तो करीब 12 वोल्ट शो होना चाहिए। तो स्टार्ट होने के बाद उसमें 10 वोल्ट शो कर रहा था, तो इसका मतलब था उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो थोड़ी दूर पर ही हमारी कंपनी थी, तो सीधा हम गाड़ी को वहीं पर ले गए और वहां पर ले जाने के बाद उसका हमने अल्टरनेटर खोला, क्योंकि उसमें अल्टरनेटर फॉल्ट था, उसके मीटर में लाइट आ रही थी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बैटरी बन गई। उन्होंने कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को ड्राइव करते रहे, तो एक टाइम के बाद जितनी बैटरी में जान थी उतनी ही चली, उसके बाद गाड़ी खड़ी हो गई। तो अल्टरनेटर खोलने के बाद उसका कटआउट वगैरह सब जल गया था, तो वो दूसरा लगा, उसमें जा करके बनवा करके दूसरा लगवाया। फिर उसके बाद हमने अल्टरनेटर बांधा और बैटरी बांध के अपनी बैटरी लगाई, कार की बैटरी एकदम डेड हो गई थी। अपनी बैटरी लगा के कार को स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद हमने वोल्टेज चेक किया उसका, तो उसमें 13.5-14 ऐसे वोल्टेज उसमें शो कर रहा था, तो इसका मतलब बैटरी अब हमारी चार्ज कर रही है। तो दोस्तों, यही कंडीशन हो जाती है अगर आपकी कार का अल्टरनेटर वीक है, कभी कभी धीरे धीरे जाता है, कभी कभी अचानक से चला जाता है। अगर आपके कार के मीटर में कोई भी लाइट या कोई भी इंडिकेटर शो कर रहा है, तो सबसे पहले आप नजदीकी सर्विस सेंटर में जा करके उसको चेक करवाइए कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो आप कहीं पर भी रास्ते में गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी नॉलेज मिली होगी आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑटो वर्क के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।